लगाएंगे आप देख सकते हैं, ये पहले सादा सोडा गिर रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेन सोडा आ रहा है, जितना आपने सोडा सेट किया उतना सोडा आ रहा है, उसके बाद उसका सिरप आ रहा है, जीरा मसाला का सिरप आ रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो गया, इसको आपने निकाल लेना है बोतल को, ये निकल गया, यहाँ पे हम कैपिंग है, कैपिंग लगा देंगे इसको। ये आपका बोतल हो गया तैयार, बाजार में सेलिंग होने के लिए तैयार है। इसका भी आप क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए स्ट्रांगनेस पावर इसका, बूस्टर सिस्टम डाला हुआ है इसके अंदर, जो बाजार में किनली लहर बिस्लेरी का सोडा मिलता है वैसा बूस्टिंग सिस्टम हमने इसमें डाला हुआ है, प्लस डबल चिलर सिस्टम है इसके अंदर, दो चिलर है, दो कंप्रेसर, दो टैंक, दो चिलर, दो कार्बोनेटिंग सिस्टम, दो मोटर सिस्टम, दो पंपिंग सिस्टम, सभी डबल डबल सिस्टम इसके अंदर डाला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो स्पेशली सोडा बोतल फिलिंग प्लांट की दोस्तों, और हमारा ये 2022 का सबसे लेटेस्ट और सबसे अपडेटेड मॉडल है दोस्तों, जो एक फैक्ट्री जेन्युइनली अगर आपको स्टार्ट करना है दोस्तों, तो इस टाइप का प्लांट लेके अपना स्मार्ट और बिजनेस ब्रांड ग्रो अप कर सकते हो दोस्तों। ये मशीन ऑटोमेटिक सिस्टम से हमने डाला हुआ है दोस्तों, प्लस ये मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी वेरी हाई कैपेसिटी है दोस्तों, एज अ मार्केट में एक सिटी लेवल या एक आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई काम करना है दोस्तों, तो आप ये प्लांट लेके दोस्तों अपना एक काम स्टार्टअप कर सकते हैं। वैसे हमने पहले बहुत सारी वीडियो डाली है दोस्तों, लेकिन वो मिनी प्लांट्स की डाली हुई है दोस्तों, जो छोटे प्लांट रहते हैं जो स्टार्टअप के लिए एक घंटे में 200 बोतल 150 बोतल निकलते हैं, वही प्लांट डाले दोस्तों। लेकिन आज हम जो प्लांट लेके आए आपके लिए, इसमें एक घंटे में आप 1200 से लेकर 1400 बोतल तक का प्रोडक्शन एक ओरिजिनल सिस्टम से निकाल सकते हैं। मशीन को ऑटोमेशन सिस्टम पे ले गए दोस्तों, एक स्मार्ट सिस्टम पे ले गए दोस्तों, एक एडवांस फंक्शन के ऊपर ले गए दोस्तों। ये मशीन के अंदर से दोस्तों आप वर्कर कम लगा के, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन रहती है उसमें वर्कर आदमियों की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से ये मशीन में आदमियों की रिक्वायरमेंट कम रहती है दोस्तों। प्लस क्वालिटी वाइज डबल स्ट्रॉन्ग बूस्टर सिस्टम निकलता है इसके अंदर, जो मिनी प्लांट रहते हैं उसमें क्वालिटी में इफेक्ट आता है, ये जंबो प्लांट है, लॉन्च करने का रीजन वही है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट मिले कस्टमर को। हमारे जो जो कस्टमर ने ऑलरेडी मशीन लिया है, हमने उनको भी ये रिप्लेसमेंट ऑफर दिया हुआ है कि उनको प्रोडक्शन कम गिरता है या क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो बड़ा प्लांट लेके रिप्लेसमेंट भी हम उनको कर देते हैं दोस्तों। ये मशीन डबल चिल्लर वाली सिस्टम है दोस्तों, इसके अंदर 1.5 टन के 1.5 टन के दो चिल्लर सिस्टम डाले हुए हमने, प्लस ये मशीन के अंदर दो स्टोरेज टैंक दिए गए दोस्तों। इसके अंदर हमने डबल टैंक, इसके अंदर वाटर टैंक है, एक पानी पहले ठंडा होगा आरओ वाला, जो आप पानी फिल करेंगे ऊपर 120 लीटर काटेंगे उसमें सबसे पहले चिल्ड होगा, फिर वही पानी दोबारा ठंडा होने के लिए नीचे ऑनलाइन चिल्लर दिया, वहां से सप्लाई होकर फिर सोडा बन के निकलेगा, जिससे क्वालिटी बूस्टिंग सिस्टम और स्ट्रांगनेस निकले, और प्रोडक्शन आप कंटिन्यू कितना भी करते हो, आपका आदमी एक घंटे में 1000-1200 बोतल तक आराम से प्रोडक्शन कर सकता है, 10 घंटे में आप इसके अंदर 12000 बोतल का प्रोडक्शन कर सकते हैं दोस्तों। 2022 की लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों, इसके अंदर हमने स्मार्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम डाला हुआ है, यहाँ पे पीएलसी सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस्टम डाला हुआ है, ये सिस्टम की कीमत सिर्फ अराउंडली 75,000 रुपीज कीमत है सिस्टम का। ये सिस्टम का काम क्या रहता है, इसका काम रहता है दोस्तों एमएल वेरिएशन, आपने जो वन टाइम सेट किया है कि 200 एमएल गिराना है तो 200 एमएल ही गिरना है, 150 एमएल सेट किया तो उतना ही गिरना है, 600 एमएल सेट किया तो वो हिसाब से गिरेगा, वेरिएशन अप डाउन नहीं होगा, प्लस सोडा का जो क्वालिटी स्ट्रांगनेस है इसके अंदर बूस्टिंग सिस्टम का पूरा सेट आता है दोस्तों, को सोडा को पावरफुल और बूस्टर बनाने के लिए सिस्टम आता है। बाजार में दोस्तों जो चीपर क्वालिटी की मशीन मिलती है उसमें इस टाइप का दोस्तों 500 के 600 रुपए वाला मीटर लगाया रहता है यहां पे दोस्तों, इसकी कीमत 500 से 600 रुपए मीटर की कीमत है दोस्तों। ऐसा मीटर हल्की और चीपर क्वालिटी का मीटर लगा के बाजार में सस्ती चीपर मशीन सेल करते हैं, लेकिन मशीन लेने के बाद कस्टमर उसमें परेशान होते हैं दोस्तों, वो मशीन लेने के बाद कस्टमर को वेरिएशन प्रॉब्लम आता है, क्वालिटी इफेक्ट नहीं मिलता है, स्ट्रांग नहीं मिलता है, बाजार में तो पहले प्राइस पूछ लेते हैं मशीन का, लेकिन क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज अप डाउन रहता है तो कस्टमर ले लेते हैं सस्ती मशीन, लेकिन बाद में उनको परेशानी होती है मशीन। ये सिस्टम का काम रहता है दोस्तों कि जो हमने 2 हेड इसमें ऑटोमेटिक दिए गए दोस्तों, इसको ऑटोमेटिकली एक ही डिस्प्ले कवर करती है, इसको सोडा को भी कवर करती है, सिरप को भी कवर करती है। आपको ये मशीन के अंदर खाली पानी भरना है, मिनरल वाटर भरना है तो मिनरल वाटर भर सकते हो, अगर मशीन के अंदर आपको ओनली सादा प्लेन सोडा भरना है तो प्लेन सोडा भर सकते हो, अगर इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भरना है, जीरा मसाला, ऑरेंज फ्रूट बियर तो भी भर सकते हो। मैं आपको दोस्तों एक बोतल बना के सोडा निकाल के बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें प्रोडक्शन किया हुआ है,
जीरा मसाला का प्रोडक्शन स्टार्ट है इसके अंदर, प्लस ऑरेंज का प्लस ये ऑरेंज हमने फ्लेवर निकाला हुआ है, ये तो ऑलरेडी हमने फिलअप करके रखा है, लेकिन आपको वीडियोस में बना के बताऊंगा दोस्तों इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसमें सिस्टम बताता हूँ, और यहाँ पे हमने सेंसर सिस्टम डाला हुआ है। जब बोतल यहाँ पे सेंसर के बीच में आएगा तभी इसका सोडा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बाई चांस इमरजेंसी में सेंसर में कोई इश्यू है, कोई फॉल्ट आता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बटन सिस्टम भी दिया है कि आप इसको बटन दबा के भी निकाल सकते हैं दोस्तों। एक बोतल में आपको यहाँ पे सेंसर सिस्टम से निकाल के बताए, सेंसर लगाया सोडा निकलना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये सिरप निकलना, ऑरेंज का जो हमने फ्लेवर निकाला है वो ऑरेंज का फ्लेवर निकलना स्टार्ट हो गया है। वही हिसाब से हम यहाँ से जीरा मसाला का फ्लेवर निकालेंगे दोस्तों। ये जीरा मसाला का बटेंगे, यहाँ से हम जीरा मसाला निकालेंगे। सबसे पहले सोडा निकलना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जीरा का फ्लेवर निकलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कैपिंग का बाउल दिया, यहाँ से ढक्कन के निकाल से आप कैपिंग लगा सकते हो ऐसे आसानी से। ये आप देख सकते हैं कैपिंग यहाँ पे आसानी से लग जाएगा इसके अंदर। ये कैपिंग लग के आपका बोतल तैयार है। क्वांटिटी जितना अप डाउन करना है यहाँ पे डिस्प्ले में से वन टाइम सेट कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि अभी हमने ये प्रोडक्शन इतना भरा हुआ है, अभी इसको क्वांटिटी बढ़ाना है मेरे को, तो ये क्वांटिटी यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये मेनू में जाके यहाँ से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। अराउंडली नंबर टू ये हम क्वांटिटी इसको बढ़ा देते हैं दोस्तों। यहाँ से भी क्वांटिटी बढ़ चुका है इसका। ये दूसरा बोतल आपके सामने मैं फिलअप कर रहा हूँ। आपको सेटिंग करने के लिए हमने अधूरा क्वांटिटी का पहले सेट किया हुआ था दोस्तों, कि वीडियो में हम आपको बता सके क्वांटिटी आप उसको सेट कैसे कर सकते हो, एक ही डिस्प्ले के अंदर से वो मेंटेन कैसे होता है दोस्तों, उसके लिए हमने उसको क्वांटिटी कम रखा था। आप देख सकते है ये बोतल निकाल दिया, क्वांटिटी सेट हो चुका है इसका। आप देखिए पहले हमने कम क्वांटिटी रखा था, अभी क्वांटिटी इसको बढ़ा दिया दोस्तों। सोडा भी बढ़ा दिया, सिरप भी बढ़ा दिया है। अभी इसमें जीरा मसाला का क्वांटिटी भी कम है, तो इसका भी हम क्वांटिटी आपको वीडियो में ही बताएंगे, सेट करके दिखाएंगे इसको। अभी इसमें से सोडा और सिरप का क्वांटिटी हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अराउंडली हमने सेट कर दिया इसको। अभी हम इसको जीरा मसाला फ्लेवर आपके सामने फिलअप करेंगे। ये आप देख सकते हैं बोतल हमने लगा दिया यहाँ पे, सोडा गिरना स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर सोडा फिलअप हो चुका है, अभी उसके बाद सिरप फिलअप हो रहा है। आप देखिए ये आपका जीरा मसाला प्रोडक्शन तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। ये पहले क्वांटिटी कम था, अभी हमने क्वांटिटी इसको बढ़ा दिया, इसका क्वांटिटी लेवल बढ़ा दिया है। अभी वही हिसाब से हम दूसरा बोतल भी आपके सामने भरेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सोडा भर रहा है, उसके बाद सिरप भर रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम करेगा, आपको बटन दबाने का जरूरत नहीं है दोस्तों इसके अंदर। ये दूसरा बोतल भी फिलअप हो चुका है, आप देखिए इसको दोनों को बाजू बाजू में आप रखिए, देखिए दोनों का लेवल एक्यूरेसी देखिए दोस्तों। ये दोनों बोतल हमने भर दिया, इसको आप कैपिंग करने के लिए यहाँ पे कैपिंग का बाउल है, उसमें से कैपिंग निकाल सकते हैं इसे, या आप यहाँ पे लगा के इसको ढक्कन पैक कर सकते हैं इसे। ये आपका बोतल तैयार हो चुका है, इसको बंच पैकिंग बना के मार्केट में आपको छोड़ देना है दोस्तों। ये जीरा का आपका बोतल तैयार है, इसको बंच 24 पीस का, 20 पीस का, 25 पीस का, जैसे भी आप बंच बनाते हो बंच बना के छोड़ देना है। प्लस इसका डबल चिल्लर सिस्टम आप देखिए, एक -6 का टेम्परेचर, एक 4 का टेम्परेचर। मैंने आपको जो बताया बटन से आप निकाल सकते हो, बटन दबा के भी आप निकाल सकते हो। अगर सेंसर से नहीं निकलना है तो बटन दबा के भी आप सोडा निकाल सकते हो। पहले सोडा गिर रहा है, उसके बाद ऑरेंज का सिरप आ रहा है इसमें, आप देख सकते हैं। वही हिसाब से यहाँ पे आप इसको बटन दबा के पहले सोडा निकाल सकते हो, फिर सिरप निकाल सकते हो। देखिए बोतल 20 ml से लेके 5 लीटर तक के बोतल आप भर सकते हो दोस्तों। जैसा बोतल का कैपेसिटी है वो हिसाब से ट्रे जाली अप डाउन होने वाला है। इसको फोल्डिंग है, इसको अप डाउन कर सकते हैं। बोतल बड़ा है तो थोड़ा डाउन कर सकते हैं, छोटा है तो थोड़ा अप कर सकते हैं। मशीन का थोड़ा दोस्तों मैं साइड लुक बता देता हूँ आपको, इस साइड से साइड लुक बता दीजिए। पूरी स्टील में बनी गई है दोस्तों, जम्बो प्लांट है दोस्तों, डबल चिल्लर वाली है ये पूरी साइड लुक है। इसका दूसरा टैंक आप देख सकते हैं पूरा, इसके अंदर वाटर फिलअप होता है। इसके अंदर कोई पाइप, कोई कोयल, कोई सिरप कोयल कुछ भी लगा नहीं रहता है दोस्तों। ये एम्प्टी बोतल ओनली, एम्प्टी टैंक है ओनली। इसके अंदर पानी ही फिलअप होता है, जो ड्रिंकिंग आपका बोतल में भर के आया वही पानी रहता है, दोबारा नीचे सप्लाई होके निकलता है दोस्तों।
ये टैंक के अंदर ना तो कॉपर का पाइप डूबा हुआ है, ना स्टील का पाइप का, ना कोई नट है, ना कोई बोतल है, कोई भी चीज इसके अंदर डूबा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, दूसरा टैंक है, इसके अंदर सब पाइपें डूबा रहता है लेकिन पानी उसमें से सप्लाई होता है ओनली, पानी मिक्स नहीं होता है दोनों का। कुर्सिया की लील दबाई ना थी, आप देख सकते हैं डबल कार्बोनेटिंग सिस्टम है, डबल पंपिंग सिस्टम है और इसका टेम्परेचर -6 का टेम्परेचर है पानी का। इसके अंदर जो कार्बोनेटिंग है इसका -6 का है, ऊपर का पानी नीचे दोबारा इसके अंदर सप्लाई होके फिर बोतल बन के निकलता है दोस्तों। ये दोनों मशीन का आउटडोर सिस्टम है, 1.5 टन का 1.5 टन का आउटडोर है। आप देख सकते हैं कितना कूलिंग आ रहा है, बेहतरीन कूलिंग आ रहा है। ये हमने पाइपिंग जोड़ा हुआ है, दोनों का कूलिंग हो रहा है, ये ऊपर वाला है ये नीचे वाला, दोनों पाइपिंग ठंडा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 टन का आउटडोर है। आपको मशीन दुकान में लगाना है और इसका आउटडोर पीछे लगाना है तो आप आसानी से पीछे लगा सकते हो, कुर्सी अब तो खाली करी ना। इसका मैं आपको टैंक भी बता देता हूं दोस्तों अंदर से, क्योंकि आपको एक क्वालिटी मालूम होगा मार्केट में, कंपटीशन में आपको क्वालिटी मालूम होगा तभी आप देख पाएंगे कि क्या क्वालिटी है, क्या चीज है इसका। ये इसका वाटर टैंक है, ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा टैंक पूरा खाली है, कोई भी पाइपिंग नहीं, ओनली चिलिंग हो रहा है, सिर्फ ठंडा हो रहा है सब जगह बॉर्डर में। आप देख सकते हैं ये बॉर्डर में ठंडा हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, इसका टेम्परेचर अभी 5 का है, धीमे धीमे डाउन भी हो कि यहाँ पे पाइप बर्फ का पूरा पार्ट भी जम जाता है, चारों साइड से ठंडा होता है यहाँ पे पाइपिंग। इसके अंदर ओनली आरओ वाला वाटर जमा है, यही वाटर दोबारा ठंडा होने के लिए नीचे की तरफ जाता है दोस्तों, और सोडा का क्वालिटी बूस्टर सिस्टम निकलता है। मैं आपको सोडा का क्वालिटी भी बता देता हूँ कि कैसा क्वालिटी सोडा का बनता है इसके अंदर से। लाओ तो खाली बोतल, स्टिकर वगैरह नहीं, आप प्लेन सोडा भी भर के बता देता हूं दोस्तों कि क्वालिटी आप मालूम कर सकोगे कितना टेम्परेचर है इसका, कितना चिल्डनेस है, और क्वालिटी में कितना बूस्टर सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों। ये भी आपको खाली प्लेन सोडा भर के दिखाता हूं दोस्तों, ओनली प्लेन सोडा का सेटिंग किया है, सिरप को बंद कर दिया मैंने, ऑटो सिस्टम में से सिरप नहीं गिरेगा, पहले सिरप गिर रहा था वो भी सिरप नहीं गिरेगा, देखिए ओनली प्लेन सोडा ही भरा इसमें। इसका बूस्टर सिस्टम देखिए दोस्तों आप, कितने बबल सारे इसके अंदर, क्योंकि जब बूस्टिंग सिस्टम डालेंगे, जब डबल चिलर सिस्टम डालेंगे तभी इसमें क्वालिटी मैच होगा और क्वालिटी बनेगा दोस्तों इसके अंदर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको नीचे डाल के दिखाता हूँ, इसका बबल देखिए आप, ये देखिए उबाल देखिए दोस्तों इसका। और दोस्तों आप तभी क्वालिटी जब भी देंगे तभी लोग आपके पास आएंगे और आपका माल बिकेगा, वो आपके मटेरियल का सेलिंग फास्ट होगा। एक बार अगर क्वालिटी आपने लो दे दिया, क्वालिटी हल्का दे दिया, दोबारा आपकी ब्रांड का सोडा कोई नहीं मांगेगा दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर के क्वालिटी मेंटेन करो। और हमारी कंपनी डॉल्फिन अप्लायंस पिछले 7 से 8 साल से सोडा बोटल फिलिंग प्लांट बना रही है, और सोडा मशीन का और डॉल्फिन अप्लायंस का हमारा बिजनेस पिछले 22 साल से दोस्तों हम कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह का दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की मशीन और सभी जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हर एक डिटेल्स ले सकते हो दोस्तों। फ्लेवर कैसे बनाना है, बोतल कहाँ से लेना है, ढक्कन कहाँ से लेना है, स्टिकर कहाँ पे बनाना है, फूड लाइसेंस कैसे लेना है, आपको टोटली चीज हमारी सेल्स टीम आपको गाइड करेगी दोस्तों। हर एक चीज के लिए हम आपको गाइडेंस देंगे दोस्तों। मशीन की प्राइस और मशीन में बेस्ट ऑफर और डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, तो इसकी डिटेल्स और जानकारी के लिए एक बार हमारी कॉन्टेक्ट सेल्स टीम को कॉन्टेक्ट करके हर एक डिटेल्स जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों इस तरह के बेहतरीन क्वालिटी की मशीन के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।